जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आपको, वह तो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है। मैंने मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स में मैंने एक चीज़ देखा है देखी है कि सबको विश्वास की बहुत कमी है, विश्वास और संयम की बहुत कमी है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास और संयम, इन्हीं दो चीज़ों पे बनाऊँगा। जब तक आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होगा तो आपका काम बनेगा कैसे, ये बताइए। आप घर से निकले किसी सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए, घर से निकले कि हाँ आज ये काम हो जाएगा, विश्वास से जाते हो ना, वो जाके काम हो जाता है। नहीं होता तो फिर दोबारा अगले दिन जाते हो, दोबारा विश्वास से जाते हो, काम हो जाएगा, हो जाता है दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन हो जाता है। विश्वास रखने पे होता है ना, या फिर एक दिन काम नहीं होता तो जाना छोड़ देते हो, अरे मैं नहीं जा रहा, दूसरे दफ्तर में चले जाते हो, दूसरे गवर्नमेंट दफ्तर में जाते हो क्या, जाते तो वहीं पर हो, काम वहीं होना है। तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, बालाजी की भक्ति करते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास की कमी है। आप चाहते हैं कि चुटकियों में काम हो जाए, मैं एक महीना, दो महीना, छः महीने में हनुमान जी की भक्ति की है, एकदम से सब काम हो जाए, मेरे ऊपर संकट है वो ख़त्म हो जाए एकदम से, और जो संकट दसियों साल से आपके पास है वो आप चाहते हैं कि 15-20 दिन महीने भर में ख़त्म हो जाए उपाय करने से, पहली बात। दूसरी बात, आपको संयम नहीं है। आपको मान लीजिए हनुमान चालीसा के लिए बताया है, या बजरंग बाण के लिए बताया है, या मंत्र के लिए बताया है, या फिर कपूर विधि के लिए बताया है, या जल विधि के लिए बताया है मैंने, या फिर किसी और बालाजी के भक्त ने आपको कोई चीज़ बताई है, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं करता, किसी और ने भी बताई है आपको, या किसी काली माता के भक्त ने ही कोई चीज़ बताई है आपको, मान लीजिए, तो आपका जब तक उस चीज़ पर विश्वास नहीं होगा तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। भगवान, देवता, दूत महाराज विश्वास पे बहुत जल्दी काम करते हैं कि इसको मेरे पे विश्वास है, ऐसा काम करूँगा, ज़रूर करूँगा। जहाँ विश्वास आपका डगमगाया ना, वहीं काम खराब होना शुरू हो जाता है, पता है। अगर शक्ति आपके साथ चलती है और आपको शक्ति पे विश्वास नहीं है ना, तो वो शक्ति भी धोखा देना शुरू कर देती है। धोखे से मेरा मतलब ये नहीं है कि धोखे से मेरा मतलब ये है, मतलब ये है कि आपको एक सख्त साथ शक्ति भी है लेकिन काम नहीं बनेंगे, कुछ चिढ़ जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं कि उसको मेरे पे विश्वास ही नहीं तो मैं क्यों काम बनाऊँ। तो इसीलिए आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब जब आप पूजा पाठ करें उस पर विश्वास करें, विनती करें उस पर विश्वास करें, हनुमान चालीसा पढ़ें 11 बार उस पर विश्वास करें, बजरंगबली के दर्शन करें, हाथ जोड़ के पांव पड़ें उनके, विश्वास करें कि प्रभु मेरा संकट आप ही को काटना है और किसी के पास मुझे नहीं जाना है, सिर्फ आप ही मेरी प्रॉब्लम दूर करोगे, मेरी परेशानी दूर करोगे। अगर मेरे में पितृ बाधा है तो पितृ बाधा को भी आप ठीक करोगे। आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं करी आज तक? दुनिया में कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? आप सब काम कर सकते हैं, तो मेरा ये काम भी आपको करना है। मेरे घर के पितृ बाधा, मेरे घर के पितृ और पूर्वज मैं आपके हवाले करता हूँ, उनकी स्वच्छता, उनकी मलिनता ख़त्म करो, उनको स्वच्छ करो, हमारी तरफ करो उन्हें। अगर उनसे हमसे को गलती हुई है तो हमें पता है, हम गलती सुधारेंगे। प्रेत है, प्रेत को पकड़ के आप मारो पिटाओ, पीट पीट मार लगाओ, पिटाई लगाओ, पकड़ के ले जाओ बालाजी में बंद कर दो, मेहंदीपुर बालाजी में बंद कर दो, समाधि वाले बाबा के चरणों में सौंप दो, बाबा ये आपका काम है, लेकिन मैं आपके दर पे ही रहूँगा, मैं अपना जगह नहीं बदलूँगा बार बार, क्योंकि आप नहीं कर पाए तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। आपका विश्वास टमाटोल हो जाता है। आपने अभी भक्ति की हनुमान जी की, 1 महीना 2 महीना आपका संकट नहीं कटा, तो आपका, और आपने कहीं और से सुना किसी और से, वो उसकी काली माता का भक्त है, उसने ऐसे ऐसे काम कर दिया, चमत्कारी काम कर देता है वो, तो आप हनुमान जी जो इनकी पूजा कर रहे हो आप उन्हें भूल जाते हो, आप भाग के काली माता के भक्त के पास जाना शुरू कर देते हो, या काली माता की भक्ति की पूजा कर रहे हो, आपने सुना कि ऐसे ऐसे वो मोहन बाबा या फिर कोई और, मतलब मैं किसी देवता की बुराई नहीं कर रहा, सब अच्छे हैं, सब करते हैं काम, लेकिन जब आपको यहाँ पर जहाँ पूजा कर रहे हैं इन पे विश्वास नहीं है, तो क्या काली माता के चौकी पे जाके वो जो उपाय बताएंगे या जो वो करेंगे, कुछ दिनों में आपको आराम पड़ने में थोड़ी सी देरी हो गई तो आपका विश्वास वहाँ से बढ़ जाएगा, फिर तीसरी जगह जाएंगे विश्वास वहाँ से बढ़ जाएगा। ऐसे आदमी को इलाज नहीं हो पाता है उनका। विश्वास रखना होता है और संयम रखना होता है।
जब कोई चीज़ आपके शरीर में से निकल के भागेगी या परेशान हो रही होगी तो वो आपको भी परेशान करेगी। तो आपको परेशान करेगी तो आपको लगता है, अरे यार मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ या फिर मैं माता की पूजा कर रहा हूँ, मेरे को तो और चीज़ बढ़ गई। बड़ी क्यों है? क्योंकि वो परेशान हो रही है और परेशान होकर आखिर में तो झपट्टा मारेगी आपको। उसी समय आपको डरना नहीं है, उसी समय आपको क्या करना है, संयम बरतना है और उसका डट के सामना करना है। वो चीज़ निकल के भागेगी 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 भागेगी। क्या परेशानी आती है ज़िंदगी में अगर छोड़ के भाग जाते हो? सामना करना पड़ता है ना। तो वैसे ही भक्ति करो, किसी की भी करो, माता की करो, काली माँ की करो, दुर्गा माँ की करो, किन्हीं भी देवता की करो, हनुमान जी की करो, बजरंगबली की करो। नेगेटिविटी सबसे जल्दी बजरंगबली की तरफ से भागती है, ठीक है? यह आपको बात माननी पड़ेगी। सबसे पहले बाबा का गदा ऐसा लगता है नेगेटिविटी को तो वो भागती नजर आती है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। वो चीज़ दिखनी कब शुरू होगी? आपको जब पूरा आराम पड़ जाता तो आपको लगता है हाँ अभी आराम पड़ गया, लेकिन उसके लिए इतना आराम पड़ गया बोलने के लिए आपको विश्वास और संयम रखना पड़ेगा। आप जगह बदलते रहोगे, यहाँ की जगह वहाँ, वहाँ की जगह वहाँ। आज आपने हनुमान जी का ये मंत्र कर लिया, कल दूसरा मंत्र कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, कल फिर काली माता का कर लिया, फिर आपने वो वाले देवता का कर लिया, फिर उस चौकी पे चले गए, फिर उस चौकी पे चले गए, फिर इनको छोड़ के वहाँ चले गए। तो सारे देवी देवता एक साथ होते हैं, आपकी तरह नहीं है वो लड़ते आपस में। उनको पता है कि ये पहले हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी की चौकी पे जाता था, हनुमान जी के उपाय कर रहा था, अब माता के पास आ गया। माता को पता है कि पहले हनुमान जी पे भी विश्वास नहीं था, इसे तो मेरे पास आया, मेरे पे भी विश्वास नहीं होगा इसे। तो वहाँ चेकिंग दोबारी तुम्हारे जरूर परीक्षा होगी। उसे भी छोड़ के आप भागोगे तीसरी जगह, तीसरी जगह जो देवता बैठा होगा वो भी सही पता होगा कि पहले हनुमान जी के पास गया ये, फिर माता के पास गया ये, फिर मेरे पास आया ये। तो हर जगह परीक्षा होगी। तो डरो मत, संयम से काम लो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विश्वास होना ज़रूरी है। आप दवाई खा रहे हो ना बुखार की, डॉक्टर ने दिया है तो वो खाते हो आप, विश्वास होता है मैं ठीक हो जाऊँगा, हो जाते हो ना ठीक। अगर आपके दिमाग में आ जा रहे थे तो मेरे को डॉक्टर बेकार है, इससे कोई बोल दे डॉक्टर उससे दवाई लाए हो तो बेकार है, उसकी दवाई काम नहीं करती, उसी डॉक्टर की दवाई तुम्हारे हाथ में है तो खाओगे तुम्हारे असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घुस गया, ये तो विश्वास हट गया तुम्हारे दिमाग से। विश्वास करो, संयम करो, तुम्हें बजरंगबली की भक्ति जो मिली है ना, बजरंगबली की जो सेवा कर रहे हो ना तुम, ऐसी किसी को नहीं मिलती। इनको स्वप्न में दर्शन हो जाते हैं, बाबा आके साक्षात दर्शन दे देते हैं, चमत्कार कर देते हैं, काम बना देते हैं। कौन लोग परेशान होते हैं, छः छः महीने से मैं भक्ति कर रहा हूँ जी, साल 10 साल हो गए, 5 साल दर्शन नहीं हुए, विश्वास नहीं आपको आ पा रहा है। आप कभी इस मंत्र पे हो, कभी इस मंत्र पे हो, कभी इधर गुरु के पीछे, कभी उधर गुरु के पीछे, कभी कहीं कभी कहीं, आपका विश्वास डावाडोल हो रहा है। तो शक्तियाँ भी आपको परीक्षा लेती रहती हैं, बार बार परेशानी में डालती रहती हैं। तो आप अपना विश्वास एक ही जगह बनाओ और देखना तुम्हारे सारे काम बनेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया कि लोगों को विश्वास और संयम की कमी है, विश्वास और संयम रखेंगे उनके बजरंगबली ही सारे काम बना देंगे और दर्शन भी देंगे। मैंने विधि बताई थी, एक विनती करने वाली विधि, रात को विनती करके लेटिए आप सच्चे मन से, उनको दर्शन हुए हैं विनती करते। और लोगों ने भी ट्राई किया, सच्चा मन नहीं लगा पाए होंगे, ध्यान भटक रहा होगा उनका, मन नहीं लग पाया होगा तो उनके दर्शन नहीं हो पाए। इसलिए मैं कहता हूँ 2-3 दिन करके देखो, बोलता हूँ ना। तो इसलिए संयम और विश्वास बहुत ज़रूरी है भजन बलि की भक्ति में या किसी भी भक्ति में, तो सारे काम बनेंगे, सारे काम सिद्ध होंगे तुम्हारे। हनुमान जी कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकते, दुनिया का सारे काम कर सकते हैं। और देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। जो देवताओं के लिए मुश्किल काम होता है हनुमान जी ऐसे कर देते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति तुम्हें मिली है, बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है? तो इसलिए भक्ति में ध्यान लगाओ, विश्वास रखो, तुम्हारे सारे काम बनेंगे। बजरंगबली महाराज तुम्हारे सारे काम बनाएंगे, दर्शन नहीं भी देंगे ना तुम्हारे, काम रुकेगा नहीं कोई भी, बस तुम्हारे मन में उनके लिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास जहाँ डगमगाया और टूटा वहीं तुम्हारा काम खराब। बस मेरी ये वीडियो थी इसी के लिए कि आज आपको विश्वास और संयम रखना है, आपके सारे आपके काम होंगे ही होंगे। मैंने ये चीज़ जो बता रहा हूँ विश्वास और संयम वाली, मैंने महसूस किए, फील किए, विश्वास बहुत है और वो भी देखा है, तब मेरे को मालूम चला, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मुझे आपके कमेंट्स से लगता है, आपके कमेंट्स से लगता है मुझे आपके अंदर विश्वास की और संयम की कमी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थोड़ी सी हटके है लेकिन मैंने बनाई इसीलिए। बजरंगबली महाराज तुम सब पे कृपा करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।